अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वाइट अंडा करी बनाने की रेसिपी, एकदम रिच और क्रीमी ग्रेवी के साथ। एक बहुत ही डिलीशियस डिश बन के तैयार होती है ये। जो कोई भी इसको खाएगा बस समझिए उंगलियाँ चाटता रह जाएगा, इतनी टेस्टी बनती है ये। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं वाइट अंडा करी। यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ले ली है, उसमें हाफ कप ऑयल डाल दिए हैं। ये बॉयल अंडे हैं 5, इसको पहले ब्रेक कर लीजिएगा फिर इसमें ऐड कीजिएगा। इसको अंडों को हम गोल्डन क्रस्ट आ जाने तक फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए। यहाँ पे अंडे खूब अच्छे से फ्राई हो गए हैं, इन सभी को हम निकाल लेंगे। अब उसी ऑयल में यहाँ 4 से 5 छोटी इलायची, 1 जावित्री का फूल डाल देंगे और ये 4 मीडियम साइज़ की प्याज थी, इसको रफली चॉप करके इसमें ऐड कर देंगे। इसको भी मिक्स कर लेंगे और ये 8 से 10 हरी मिर्च है स्पाइसीनेस के लिए और ये 15 से 16 बादाम है। आपके पास बादाम नहीं है तो आप काजू डाल लीजिएगा और हरी मिर्च की क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। इन सभी को अच्छे से मिक्स कर देंगे। प्याज का कलर हमको नहीं चेंज करना है, बस लाइट पिंक कर लेना है। अब इन सभी को हम निकाल लेंगे, हमको बस इतने ही चाहिए। यहाँ पे मैंने प्याज को ठंडा कर लिया है। अब यहाँ पे 1 टीस्पून मगज़ ऐड कर देंगे और पानी डाल के स्मूथ पेस्ट बना के साइड पे रख देंगे। अब इसी ऑयल में 2 तेज़पत्ता, 1 दालचीनी का टुकड़ा डाल देंगे। इसको 30 से 40 सेकंड के लिए क्रैकल कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो पेस्ट हमने बनाया था वो ऐड कर देंगे। इसको खूब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैं यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट डालना भूल गई थी, तो आप पहले ऑयल में अदरक लहसुन का पेस्ट डाल करके तब ये पेस्ट ऐड कीजिएगा। यहाँ पे 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे, 1 टीस्पून भुने हुए जीरे का पाउडर, 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर और यहाँ पे 1/2 टीस्पून है गरम मसाला। इन सभी को डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। यहाँ पे मैं अदरक लहसुन का पेस्ट अभी ऐड कर रही हूँ, मैं भूल गई थी, तो इसको मिक्स करके ढक करके 2 मिनट तक पका लेंगे हम, जब तक ऑयल सरफेस पे नहीं आ जाता। और फिर हम यहाँ पे 1 टीस्पून कसूरी मेथी ऐड करेंगे। अगर आप नहीं खाते तो आप इसको स्किप कर दीजिएगा। इसको मिक्स कर लेंगे और ये 100 ग्राम दही है बीट किया हुआ, मीठा दही मत लीजिएगा, एकदम नॉर्मल दही लीजिएगा, ना खट्टा हो ना मीठा। इसको मिक्स कर लेंगे, इसको तब तक पकाएंगे जब तक ऑयल सरफेस पे नहीं आ जाता। फिर यहाँ पे 2 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम ऐड कर देंगे। अगर आपके पास नहीं है तो आप दूध के ऊपर जो जमी हुई मलाई रहती है उसको अच्छे से पहले बीट कर लीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे ऐड कर दीजिएगा। इसको भी मिक्स कर देंगे और तब तक पकाएंगे जब तक ऑयल सरफेस पे नहीं आ जाता। यहाँ पे आ गया है तो 1/2 कप पानी ऐड कर देंगे। पानी की क्वांटिटी ज़्यादा मत कीजिएगा, बस ये गाढ़ी साइड पे रहता है तो इसमें कम पानी ऐड कीजिएगा। तो इसको अच्छे से एक बॉयल आने देंगे, उसके बाद फिर यहाँ पे अपने अंडे ऐड कर देंगे। इन सभी को मिक्स कर लेंगे हम और ढक करके 8 से 10 मिनट तक कुक करेंगे लो फ्लेम पे। बीच बीच में आप चलाते रहिएगा वरना नीचे से लगने लगता है। 8 से 10 मिनट हो गए हैं, अब इसका लिड ओपन करेंगे। यहाँ पे स्लिट की हुई 4 से 5 हरी मिर्च डाल देंगे, धनिया पत्ती डाल करके अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बन के तैयार होती है, बहुत डिलीशियस लगता है, बहुत अच्छी ग्रेवी बन के तैयार होती है। तो आइए डिश आउट कर लेते हैं। इसकी ग्रेवी, इसकी क्रीमीनेस बहुत अच्छी रहती है, ऐसा लगता ही नहीं है कि हम रेस्टोरेंट में नहीं खा रहे, घर पे बना के खा रहे हैं। और बहुत अच्छा लगता है ये देखने में, जितनी टेम्प्टिंग लग रही है खाने में बहुत डिलीशियस लगता है। आप एक बार इसको ट्राई ज़रूर कीजिए।
अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।